पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुलवामा के आतंकी हमले के पश्चात भारतीय सेना द्वारा 1971 के युद्ध के पश्चात पहली बार पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी अड्डों पर हवाई हमले से जहां दुनिया में भारतीय सेनाओं के पराक्रम को दिखाया था, वहीं सभी देशवासियों को इस कार्रवाई से प्रसन्नता भी दी थी। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी घटिया चुनावी रणनीति के कारण सेना के पराक्रम और जवानों द्वारा दी गई शहादत पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके उन्हें अपमानित कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के जंगल 1-2 खैरी सुंचई खनोली थाती में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेना और सैनिकों के महत्व को केवल भाजपा समझ सकती है। सांसद रहते उन्होंने पहली बार वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा संसद में उठाया था। ये स्वयं उनके लिए गौरव की बात है कि मोदी सरकार ने न केवल सैनिकों की इस बहुप्रसिद्धित मांग को पूरा किया, बल्कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश को समर्पित कर शहीदों की शहादत को उच्चतम सम्मान प्रदान किया है। 8 करोड़ महिलाओं का मुफ्त चूल्हा गैस कनेक्शन और सिलेंडर मिल सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। और ग्रीनी योजना के सुविधा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख परिवारों को कनेक्शन दे दिया, 1 लाख बाकी बचते हैं, 3 महीने के अंदर सबको दे दिया जाएगा। कोई परिवार हिमाचल में ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं होगा। तो कोई परिवार हिमाचल में बिना गैस कनेक्शन के नहीं रहे, ये मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान ने जो हमारे देश के साथ छेड़खानी की, पूरी में हमारे सैनिकों को टेंट में सोए हुए जिंदा जलाया, नींद में गोली मार के मार दिए, उनका बदला पाकिस्तान में सैनिक भेजकर सब आतंकवादियों को वहां मार कर आए और हमारे सही सलामत वापस आए, उनके दुश्मन के घर में जाके बदला लिया।